मैं जेई क्रैक नहीं कर पाऊंगा। शायद ये चीज कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आती होगी। आपको लगता होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और सब चीजें मुश्किल होते जा रही है, पर क्या आपने सोचा है कि आप क्यों नहीं कर पाएंगे? हर साल 11 से 12 लाख बच्चे अपियर होते हैं इस एग्जाम के लिए। तो कितना अच्छा होता ना कि जिस कॉलेज और ब्रांच को वो टारगेट कर रहे हैं वो उन्हें मिल जाए। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीट उसी को मिलती है जो डिजर्विंग होता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आप डिजर्विंग नहीं है? तो ऐसा नहीं है। इन 11 से 12 लाख बच्चे में से हर एक बच्चा वो सीट डिजर्व करता है। पर जेई की प्रिपरेशन की 2 साल की जर्नी ये आपके कई सारे टेस्ट लेती है। और मैं यहाँ पे आपके कोचिंग टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट होता है आपके पेशेंस, परसीवेरेंस, डेडिकेशन का। टेस्ट होता है कि चाहे आपके घर वाले आपको ना समझ पाए, चाहे आपके दोस्त आपको डीमोटिवेट करे, चाहे आपको मॉक टेस्ट में 0 ही क्यों ना आ जाए, आप इन सब चीजों को भुला के एक बार फिर से लड़ने को तैयार हो जाए। लाइफ इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। तो चाहे आपको IIT मिले या ना मिले, पर आपने अपनी जेई जर्नी से क्या सीखा वो ज्यादा मैटर करता है। देखिए, हार जाना बहुत आसान है, बट बार बार असफलता के बाद भी लड़ना बहुत मुश्किल। आज आप अपनी मंजिल के बहुत पास खड़े हैं और यहां से पलट के नहीं देखना है, बल्कि आगे ही बढ़ते जाना है। आपको शायद खुद पे यकीन ना हो, पर मुझे है। तो इस भरोसे को टूटने मत दीजिएगा और 100% एफर्ट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, आप जिस कॉलेज को एम कर रहे हो वो आपको मिले या ना मिले, बट आपको इस बात का रिग्रेट कभी नहीं रहेगा कि आप जो है मैदान छोड़ के भागे थे। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप वर्किंग। ऑल द बेस्ट।